सोहन की किचन में आपका स्वागत है। आज हम लौकी का भरता बनाएंगे। ये मैंने एक लौकी ली हुई है, गैस को ऑन कर दिया है। इस पे हम लौकी भूंज लेंगे अच्छे से। गैस को हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। लौकी जब तक अच्छे से भूंज रही है तब तक लौकी के भरते में डालने के लिए ये मैंने दो टमाटर लिए हुए हैं, दो प्याज लिए हुए हैं, ये मैंने हरी धनिया ली हुई है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, 10 से 12 ये लहसुन ली हुई है और 3 ये मैंने हरी मिर्च ली। इन सभी को हम अच्छे से काट लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है, प्याज भी छोटे छोटे कट कर लिया है, मैंने लहसुन भी कट कर लिया है, दो टमाटर वो भी कट कर लिया है, अदरक को ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्ची भी कट कर ली है। लौकी भी अच्छे से भूंज रही है। ये देखिए लौकी अच्छे से भुन चुकी है। ये देखिए अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। लौकी का भरता बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसमें मैंने कढ़ाई रखी हुई है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। जब तक तेल अच्छे से गर्म हो रहा है हम लौकी को छील लेंगे। इस तरह से हम छील लेंगे पूरी लौकी को। मैंने पूरी लौकी को अच्छे से छील लिया है, ये साइडों से इस तरह से हम कट कर लेंगे। हम इसके दो टुकड़े करेंगे इस तरह से। इधर तेल अच्छे से गरम हो गया, आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। लौकी को हम इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेंगे। जीरा अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे कटा हुआ। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून गया, अब अदरक डाल देंगे ग्रेट की हुई। प्याज अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी मज़े से पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। टमाटर से अच्छे से पक जाए इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सभी मसालों को अच्छे से पका लेंगे। सभी मसाले अच्छे से पक चुके हैं, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अभी जो लौकी भून के रख रखी थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच हम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे कि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अब हम खोल के चेक करेंगे। सब्जी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला डालेंगे,
ये मैंने एक चम्मच गरम मसाला लिया हुआ है, हम इसमें डाल देंगे। लौकी का भरता बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने। और इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। धनिया को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। भरते हैं, भरते की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये भरता बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस भरते को गैस से नीचे उतार लेंगे। मैंने एक बॉल लिया हुआ है, अब हम सर्व करेंगे। इस बॉल में लौकी का भरता हम निकाल लेंगे। मैंने सब्जी को एक बॉल में निकाल लिया है। आपने लौकी की सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आपने लौकी का भरता नहीं खाया होगा। आप इस तरह से लौकी का भरता बनाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए।